और खबर देंगे आपको परवेज इलाही करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ सामने आई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी नैब लाहौर के हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। तफसीलात क्या है, मजर अकबाल से जानते हैं। मजर बताइए जी। नैब लाहौर ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर अला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में ले लिया है और उनकी गिरफ्तारी बाजाबता तौर पर डाल दी गई है। अब वो गुजरांवाला जेल में इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में थे, जबकि नैब ने भी उनको जो है वो बकायदा जो अपनी कस्टडी में ले लिया है। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने 1 अरब रुपए की करप्शन की और मनपसंद लोगों को गुजरात और दीगर शहरों में ठेके दिलवाए। इसके अलावा पंजाब असेंबली में जब वो सेक्रेटरी असेंबली थे तो उन्होंने वहां पर भी गैर कानूनी भर्तियां की। फिर उसके बाद जब वो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे तो उन्होंने उस वक्त जो एक्सीएन है हाईवे के अजमत हयात उनको वहां पर तैनात करवाया। फिर उनके जरिए ठेकेदारों से किक्स बैक और जो कमीशन है वो लिया, तो इस पर उनको हिरासत में लिया गया है और कल उनको नैब लाहौर में अदालत में पेश किया जाएगा।